नमस्कार, मैं लिबर राशि के मित्रों, स्वागत है आपका अनु शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेकर आया हूँ आपकी राशिफल और जून का महीना, मंथ ऑफ जून कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, उसकी चर्चा करूंगा। उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक लाइव हर बुधवार 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से आपकी सेवा में हाजिर रहता है। कोई भी सवाल उस लाइव प्रोग्राम में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका उसी समय आपको आंसर रिप्लाई करूंगा। और ढेर सारी चर्चाएं आपके साथ हमेशा होती हैं। तो इस महीने का आपका राशिफल, यानी कि जून महीने का राशिफल आपका कैसा रहेगा, तो हम देखते हैं कि महीने की शुरुआत चंद्रमा जो है वो आपके थर्ड हाउस में होंगे। और ये चंद्रमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका संबंध आपके प्रोफेशन से है। प्रोफेशन की ओर हम आगे बढ़े, या सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मंगल का चौथे घर में होना महीने की शुरुआत में और बुध का अष्टम भाव में होना ये हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा है। जिन लोगों को डायबिटिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको बहुत सावधान रहना होगा। और जिनको नर्वसनेस हो जाती है बहुत जल्दी, और मसल डिसऑर्डर है, किसी का मसल वीक हो रहे हैं, उनको भी बहुत सावधान रहना होगा। हेल्थ के मामले में ये चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं, ताकि आपकी अच्छी हेल्थ होगी तो आप निश्चित तौर पर ये अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हो। तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। बात अगर आपके मैं धन की करूं तो धन के लिए हमें प्रोफेशन की ओर जाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि महीने की शुरुआत में चंद्रमा जो हाउस ऑफ प्रोफेशन के कारण थर्ड हाउस में, तो दिखा रहे हैं कि कामकाज की भाग दौड़ रहेगी, आप बिजी रहेंगे, आपको एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। कुल मिला के ये कहूँ तो ये जो स्थितियाँ हैं आपकी, बहुत एक बेहतरीन स्थितियाँ बनी हुई हैं, और इनका पूरा पूरा लाभ कहीं ना कहीं आप ले पाएंगे, और इसका लाभ होना भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान अथाह प्रयास करता है तो उम्मीद हर इंसान को होती है कि अब मेरे दिन बदलेंगे। लेकिन साथ ही साथ धन की बात करूं, आप बिजी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम जो है, फाइनेंशियल स्थितियां जो है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर बनी हुई है, कहें कि खर्चे बहुत हो रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं टाइट सिचुएशन जो है वो फाइनेंशियली बनी हुई है। और साथ ही साथ तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने में होने वाला है। सबसे पहले वीनस ट्रांजिट करेंगे, जो 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के भी हैं, वो आपके प्रोफेशन में आएंगे। तो प्रोफेशन का एक पैटर्न जो है, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, वो बनेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा। उसके अलावा सूर्य और बुध का भी ट्रांजिट होगा, और वो दोनों आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन प्रोफेशन में जो टायर्डनेस है, जो चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं उससे आप बोर भी दिखाई देंगे, और उस स्ट्रेस से आपको कोप करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और कई बार आदमी एंगरी हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि गुस्सा बिल्कुल ना करें, क्योंकि न्यायप्रिय राशि है, जस्टिस चाहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जब दूसरे के साथ नहीं होता है। तो कई बार अग्रेसिवनेस जो है वो आपके लिए खातर घातक सिद्ध हो सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो प्रोफेशनल एक चेंज देख रहा हूँ, बिजनेस में एक ज़्यादा रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, लेकिन जॉब के मामले जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जरूर कष्ट सहना पड़ सकता है। जाइए कहें कि कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा मिल सकता है इस बार आपको, जिसको आप आगे लेकर चल सकते हैं। अगर वही बात मैं आपके धन और इनकम की करूँ तो आपका फाइनेंस जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि मंगल आपके फाइनेंस के कार्य में, वो उस किसान में बैठे हुए हैं आपके फोर्थ हाउस में, तो वो दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी एक ऐसा साधन हो सकता है, प्रॉपर्टी के जमीन एक ऐसा साधन है जिससे आपकी धन की वृद्धि हो सकती है, या धन उसमें कहीं ना कहीं आपके धन की खपत हो सकती है। तो धन का जो सोर्स रहेगा वो अधिकतर सोर्स जो है वो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लॉट और घर लिया जा सकता है, बेचा जा सकता है, जिससे इनकम का आना और जाना बना रहेगा। वहीं अगर मैं परिवार की बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो फिफ्थ हाउस बच्चों के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शनि उसके कार्य कर, शनि थर्ड हाउस में चंद्रमा के साथ बैठे हुए, तो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को लेके हल्की सी चिंता रहेगी, लेकिन बच्चे आपका बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, उनकी सेहत की चिंता हो सकती है, किसी बच्चे को जैसे कहते हैं कानों की तकलीफ हो सकती है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को रीढ़ की हड्डी में कोई चोट आ सकती है, किसी को डायरिया हो सकता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ जो है उसके थ्रू जाना पड़ सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का बिहेवियर जो है वो इतना रूड हो जाता है, अब्यूजिव हो जाता है, कि आपको कई बार उनके साथ कोप करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि फैमिली प्लानिंग के लिए ये अच्छा समय नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ अपने आप को उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात करूं या मैरिटल रिलेशनशिप की बात करूं, तो 7th हाउस मंगल का है, मंगल सुख स्थान में बैठे हुए, तो दिखा रहे हैं कि आप पूरी तरह इंजॉय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं बहुत हुआ, मैं थक गया हूं, मैं काम करके कहीं मुझे मेरे पार्टनर का साथ मिले, वहां बैठ जाऊं, वो मेरे लिए चाय खाना, आप उनके लिए चाय खाना लेके जाओ, सेलिब्रेट करो। तो ये एक समागम
की स्थिति बनेगी, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको रिचार्ज भी करेगा। तो आपको ऐसा एफर्ट बनाना चाहिए, ये आपके केस सुख का एक साधन हो सकता है। तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग का हो जाना यहाँ पे बहुत एक महत्वपूर्ण ये कहें कि उपाय ही होगा आपके आपके लिए। अगर आप शायद होता है तो अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। वैसे भी वीनस जो जो गृहस्थी जीवन में मैट्री कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो आपके 10th हाउस में जाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मंगल और शुक्र एक दूसरे को दृष्टि भी करेंगे तो कहीं ना कहीं योश दिखा रहा है, थोड़ा समय स्पेंड करने की बात दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप उसका पूरा पूरा इंजॉय करें, लेकिन ये समय शादी के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। फिर भी अगर आपके पास कोई शादी का आप डिसाइड कर चुके हैं, कोई शादी का प्रपोजल आ गया, तो सावधानी पूर्वक चलें, और हो सके तो इस दौरान शुक्र से जुड़ी चीज़ों का दान आपको करना होगा। गाय सेवा करना सबसे उत्तम उपाय आपके लिए होगा, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और ये कहूँ कि इस पूरे महीने में अगर कोई उत्तम उपाय आपके लिए हो सकता है तो वो है जीवन साथी का साथ और उसके साथ अच्छे संबंध और गाय सेवा। गाय सेवा कई बार मुश्किल हो जाती है, तो नीडी पर्सन कोई भी हों जो नीड में है, उनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करें जिनसे उनकी भूख प्यास कपड़ा जो भी होने चाहिए वो आप पूर्ति करें। तो इससे एक ब्लेसिंग आपके लिए काम करेगी और एक बेहतर स्थिति आपके लिए बनती चली जाएगी। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि कुछ टायर्डनेस इस बार आपको परेशान करेगी, तो हेल्थ का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।